ये देखिए बकरी का दूध निकाल दिया। अरे वाह वाह दूध आ गया। अरे वाह बस देखिए कितना वीरान पेड़ है, इसमें एक पत्ता नहीं है। ये अम्मा काफी दूर आती है बकरी चराने के लिए। फसल तो होती नहीं है, होती फसल है बाजरी हुए, बाजरा हुए, मोठ हुए, मूंग हुए। अच्छा भीहड़ है, अब इससे ज्यादा भीहड़ क्या होगा। ये रही इनकी छोटी सी झोंपड़ी, देखिए ना ये ढाणी है, इसको बोलते हैं ढाणी। ये ऊपर से दिखाता हूँ, ये देखिए, और ये अंदर देखिए घुस गई। वाह ये देखिए कितनी गोल है, दिखाना एक बार। भारत भगवान भून गए तो नीतू के बगल में आकर के सो गई बकरी। स्वागत है दोस्तों आपका आज के हमारे एक और नए ब्लॉग में। तपती धूप है दोस्तों, दोपहर के बज रहा है 3, इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती चूरू शहर में। और यहाँ की हम लोग आपको दिखाएंगे, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बाबा बुजुर्ग हैं और वो अपनी भेड़ बकरी चुगा रहे हैं यहाँ पर, और उनसे कुछ बातें करेंगे और आपको भी बताएंगे उनका जीवन लाइफ स्टाइल कैसी है। और हम भी देखते हैं, गर्मी तो इतनी है मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे यहाँ जैसे मई और जून में गर्मी पड़ती है ना, उस तरह से यहाँ पर गर्मी है। और हमारे पास पानी भी हो गया ख़त्म, पानी भी नहीं है यहाँ, दूर दूर तक ना पानी है और ना पेट्रोल है। पेट्रोल तो हमारी गाड़ी में फुल है अभी, ये शुक्र है ना के पापा कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल है। यहाँ पेट्रोल नहीं है, 50-50, 100-100 किलोमीटर तक पेट्रोल नहीं है यहाँ पर, ना पानी है ना पेट्रोल। टंकी आपको कहीं नहीं मिलेगी, हम पानी लाए थे वहाँ पर रुके थे हम, जो वहीं से पानी भर के लाए थे, वहाँ से कम 100-150 किलोमीटर आ गए, हमको पानी नहीं मिला। एक कैंपर था हमारे पास, वो अब हमारा ख़त्म हो गया पानी, क्योंकि गर्मी इतनी है प्यास लगती है पानी पीते हैं, प्यास लगती है पानी पीते हैं। अब देखते हैं हमको अगर कहीं थोड़ा सा पानी मिल जाए तो थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। आसल खेड़ी जगह है, इस जगह पे हम रुके थे। देखिए दोस्तों कितना सुनसान सा लग रहा है, ये डेजर्ट टाइप में। और यहाँ पर देखिए कुछ बाबा हैं वो जो अपनी बकरी वगैरह चरा रहे हैं, एक बार उनसे बातें करने की करता हूँ मैं। ये इनकी बकरी है, और बाबा राम राम, 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 राम। बाबा किधर से आए हम, किधर से है आपकी तरफ। देखिए ये बाबा आए हमको निकालने के लिए यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ तार लगे हुए हैं। वैसे तो बहुत कम मिलते हैं तार, पर फिर भी इस जगह पर हैं तार। इसमें से देखिए निकलते हैं, कांटे पड़े हुए हैं चारों तरफ। हाँ मैं निकल जाऊँगा, मैं तो निकल जाऊँगा। थैंक यू बाबा, धन्यवाद। देखिए हमको इधर से कांटे पड़े, कांटों को देख करके आना। आपने ये पेड़ काटा है? बकरियों की खातिर। ये बम्बूल है, बम्बूल का पेड़, किंकर है, किंकर बोलते हैं। हाँ किंकर का पेड़ काटा है। देखिए अम्मा भी एक बैठी हुई हैं, इन बाबा से बातें करेंगे हम। बहुत बड़े बड़े कांटे हैं, तो इनका क्या कराएंगे फिर लकड़ी का आप बाबा? अच्छा अच्छा, चूल्हे के अंदर सब्जी सब्जी बन जाए, गैस की जरूरत नहीं है। ये खेत आप ही के? अच्छा यहाँ फसल तो होती नहीं है, ना फसल हुए, बाजरी हुए, बाजरा हुए, मोठ हुए, मूंग हुए। अच्छा अब तो कुछ नहीं है, जैसे हमारी तरफ गेहूं है, सरसों है। अब मारे को नहीं, मारे बिरानी है, था कण पानी लगे। हां ने बिरानी चना खड़े है। हां चना तो देखे हम, हमारे तो चारों तरफ आलू आलू हो रखा है खेतों में। थारे पास पानी लगे तो पानी? हां पानी। आप बिना पानी की फसल करते हो? हां बिरानी है, बिरानी हमारे तो भगवान भून गए तो जाने तो। देखिए दोस्तों बाबा का कहना, अगर भगवान अगर बारिश अगर करेंगे तो फसल हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। खेत तो काफी बड़े बड़े हैं यहाँ पे। हाँ जमीन बड़े, लेकिन खाली वीरान पड़े हैं। अब ये बकरी इनमें से बाबा क्या खा रही है? ये बकरी कुछ भी तो नहीं है यहाँ खाने के। अच्छा देखिए कितना वीरान पेड़ है, इसमें एक पत्ता नहीं है। बाबा कह रहे हैं पत्ते खाते हैं। बकरी दूध देती है बाबा? कौन सी देती है? अब माता जी राम राम। ये देखिए बाबा की माता जी है, ये अम्मा है। खाना पीना लेके आई हूँ भाई, खाना पीना सा पानी सारा लेके आई यही। पूरे दिन रुकोगे? सुबह से दिन 5 बजे जाऊँगा, शाम को 5 बजे जाओ। हाँ ये देखिए नीतू कह रही है कि मैं दूध निकाल के देखूंगी बकरी का। अरे वाह वाह दूध आ गया। अरे वाह बस 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 फैला मत,
ये देखिए बकरी का दूध निकाल दिया बकरी का दूध निकाल लिया आज नीतू ने, और राजस्थानी बकरी थाने जैसे हमारी एक भैंस नहीं सीधी वाली, उसके इतने सॉफ्ट ऐसे थाने इसके। अभी ब्याही दिखे ये बच्चा होगा इसका, छोटा सा दो बच्चे डाले इसने। अच्छा तो घर आपका दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर से आते हैं आप? पैदल पैदल गाँव है। अच्छा अच्छा, ये दोस्तों अम्मा हमें बोतल में पानी है, आंटी पूछ रही हैं। हाँ वो पूछ रही हैं, पानी भर लाऊंगी मैं। नहीं चाय वाय तो नहीं पी रहे, पर हाँ पानी पी आएंगे हम, देख के आएंगे कहाँ से पानी भर करके रखते हो आप, कहाँ से लाते हो पानी? कुंड का पानी लाते हैं, ये बरसात की पानी वही पानी पीते हैं अम्मा? बारिश का पानी पीते हो तो साफ रहता है वो पानी? डिग्गी गोल गोल डिग्गी से बना रखी है। हाँ वो देख के आते हैं ऊपर क्यों रखा। देखिए अम्मा अपने घर पर ले जा रही हैं, जो ढाणी बोलते हैं यहाँ पर घरों को, तो ढाणी में लेकर के जा रही हैं। मैं भी दोस्तों आपको लेकर के चलता हूँ ढाणी में। ये देखिए जा रहे हैं ये लोग, नीतू जा रही है अम्मा अपनी ढाणी लेकर के जा रही हैं। अम्मा अम्मा बच्चे बच्चे नहीं है आपके? छह है, बेटा बहू भी है, सब यही रहते हैं ढाणी। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पर फसल करने की कोशिश की गई है, तो सरसों की लकड़ी है कुछ थोड़ी बहुत। ये किसकी है? अच्छा तिल है, तिल तिल सॉरी, सरसों गेहूं तो हो ही नहीं सकते हैं। सरसों का हुआ है ये थोड़ा सा, ये है ये तिल नहीं है ये, अच्छा कुछ और है। अगर तिल है सरसों तेल वगैरह का, देखो ये तिल है। हाँ तिल की है, तिल की खेती है। नहीं अम्मा काफी दूर आती हैं बकरी चराने के लिए। ये देखिए किसी ने गड्ढा किया हुआ है, किसी जानवर ने। भीहड़ है, अब इससे ज्यादा भीहड़ क्या होगा, सूखा भीहड़ सूखा भीहड़ है एकदम। हरियाली तो आपको कहीं देखने को भी बहुत कम मिलेगी। देखिए काफ़ी देर हो गई दोस्तों चलते चलते हमको, आधा घंटा सा हो गया, और माता जी की ढाणी अब मेरे को सामने नज़र आने लग गई है। वो देखिए वो जो दो घर से बने हुए हैं ना, कच्ची झोंपड़ी जैसी बनी हुई है वहाँ पर है। चलिए चलते हैं आगे, इनके खेत में भी कुछ है शायद, अभी फसल है। इनका एक मेरे को अजीब लगा है कि ये पानी बरसात का पीते हैं, भर करके रखते हैं उसको। हाँ कुंड का पानी पीते हैं। हाँ हाँ ये बहुत पुरानी टेक्निक अभी तक चल रही है यहाँ पर राजस्थान में, और करें भी तो करें क्या। अम्मा कह रही है चाय बना लियो, थारे मेहमान लेके आओ। नहीं अम्मा चाय वाय रहने दो, चाय नहीं हम पीते नहीं हैं, हम खाना खा के आए अभी, रास्ते में हमने बनाया था, बस आपका पानी पी लेंगे। ये देखिए ये भी इन्होंने काटे हुए हैं पेड़ बकरियों के लिए, और ये देखिए अम्मा देखना करंट के तार है नहीं तो। अच्छा अच्छा ये चना है, ये चना की खेती है, वो भी बहुत कम कम है, बरसात हुई नहीं है। हाँ बहुत कम चना है, अब क्या होगा इसमें चना। ये आंटी की जो है सासू माँ है, वो कपड़े धो रही हैं यहाँ पर, और देखिए बेर भी आ रहे हैं नहीं तो बेरिया पर। ये देखिए ये दिखाता हूँ राजस्थान का आपको, छोटा सा घर, इनकी झोंपड़ी भी है वो रही जहाँ गाय वगैरह बंधी रहती है। और ये माता जी नमस्कार, ये कपड़े धो रही हैं माता जी। ये है इनका देखिए छोटा सा घर है, बहुत ही सुंदर है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये देखिए इनका चूल्हा वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है। ये देखिए ये रही इनकी छोटी सी झोंपड़ी है, देखिए ना ये ढाणी है, इसको बोलते हैं ढाणी। ये देखिए अंदर देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ऊपर से दिखाता हूँ ये देखिए, और ये अंदर देखिए घुस गई, किस चीज़ की बनी हुई है अंदर आगे देखो। अरे वाह ये देखिए कितनी गोल है, गोल नुमा है एकदम, गोल बनाई है, गोल है।
बनाई है तो कितनी अच्छी है ना, सुंदर है मर, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसमें से। इसमें बारिश तो बिल्कुल नहीं आएगी, बारिश में सोक चारपाई डाल के कितना आनंद आएगा। ये देखिए ये अम्मा किस चीज की बनी हुई है, ये लकड़ी की बनी है वो। नहीं लकड़ी तो है, कौन सी लकड़ी है? रोहिड़े की लकड़ी का बना हुआ है। ये देखिए ये ना क्या छोटा सा चूल्हा है, ये इनकी बार लगा रखी है, दीवाल है, और पीछे की साइड में भी देखिए खेत है इनके। एक दो पेड़ यहाँ पर हरे हरे हैं क्योंकि पानी वानी ये देते हैं। वो देखिए बेर का पेड़ है एक, ये देखिए एक बेर का पेड़ है यहाँ पर, बहुत सुंदर है, उस पर बेर भी आ रखे हैं। देखिए पीले पीले हैं, कुछ लाल लाल भी हैं, आएंगे तो नहीं हाथ में, वैसे नीचे अगर गिरे होंगे तो दिखाता हूँ आपको, नीचे हैं, हाँ गिरे हुए हैं चार छः बेर। ये देखिए नीतू बीन रही है अब इस समय, बेरों को पके पके ले लेना दो चार, हाँ ऐसे ही है छोटे छोटे है, हाँ दिखाना एक बेर, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बेर है, ये लो खा लो, और इसमें भी पानी भर जाता होगा बरसात का, ये पक्का है, हाँ वो है वैसे, पर इसमें भर जाता होगा बरसात का पानी। ये देखिए अम्मा जो पानी भर रही है ना, ये बरसात का पानी है, पिछली जब भी बरसात पड़ी होगी तब का इसमें भरा हुआ है पानी, और ये उस कुएं से निकाल लाते और फिर उसको पूरी पूरी साल चल जाता है अम्मा फ्री वो पानी, ये तो भरवा रही है ना पानी, ये बरसात का पानी है, पी करके देखेंगे इसको भी कैसा लगता है, देख मीठा होगा बरसात का पानी है, है ना मीठा है ना, और भरवा ले पानी तो अच्छा है, हाँ मेरे को भी देना, मैं भी पी के देखूँगा। ये देखिए दोस्तों दूध पी गई, वो अपना चारा खा रही थी, खाते खाते उसके बच्चा गया, ओह वो मना कर रही है, बोले अभी कुछ मत कर पीने दे मेरे को, वो हटा रही है। ये नीतू के बगल, नीतू के बगल में आकर के सो गई बकरी, दूध पी के मम्मी का सो रही है, मम्मी भी सो रही है, वो भी सो रही है, हाँ इसी की है ये बेटी। अब यहाँ से जा रहे हैं हम, भैया ने फिर से बाबा ने तारों को पकड़ लिया, ठीक है चाचा जी है ना, अच्छा ओके बाय, राम राम, राम राम बाबा। काफ़ी अच्छी लगी ये भी ढाणी, राजस्थान की एक कल्चर मैंने आपको दिखा दिया, माता जी हैं इनकी सास हैं, आदत बहुत अच्छी है दोनों की, और बकरी वगैरह दिखाई उन्होंने, वो वहाँ चरा रहे थे और उसके बच्चे बकरी के यहाँ पर है, गाय का बछड़ा भी बंधा हुआ था यहाँ पर। और ये देखिए सुनसान और बिहान जंगल है, उसमें से ये रहते हैं उस जंगल में, अच्छा है कल्चर। अगर दोस्तों कल्चर अगर आपको पसंद आया हो, यहाँ के लोगों का नेचर अगर अच्छा लगा हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।